विराट भाई अंकल खड़े हो। ये साहबजादी जब से खान की तरफ से राशन है जो कि हम घरों में तकसीम करने के लिए जा रहे हैं, साहबजादी जब खान से अब कुछ मजीद घर हैं तो हमें पता चला है कि वहाँ पे जो है वो लोग भी भूख और अफलास से रहते हैं, तो साहबजादी जब से खान ने वहाँ पे भी राशन और ये कपड़े जो हैं उनके बच्चों के लिए पहुँचाने का फैसला किया। ये हमारे पास गिफ्ट पैक इस टाइम मौजूद हैं जो कि छोटे बच्चों को तकसीम किए जाएँगे, जो कि यतीम बच्चे हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है और उनके लिए ये है ईद के कपड़े हैं ताकि उनको ये ईद के कपड़े पहन के ईद की खुशियाँ दोबारा कर सके। तो आप देख रहे हैं कि कैसा रास्ता जैसा इलाका है आपको मैं स्क्रीन से नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, हम साहबजादी दसर खान से एक और घर में मौजूद हैं और एक ऐसे खातून से आपको मिलवाने लगे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका शोर जो है वो नशे जैसी लानत और लत जो है उसको लग चुकी है। तो हम जो हैं दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम, आपके मियाँ कितने अर्से से नशा कर रहे हैं? 2-3 साल से। तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ आपकी गुजरात कैसे होती है? बस कोई ना कोई मदद कर देता है, वो काम कर देती है। ये जो बहन है ये खुद काम कर रही है, इनके छोटे छोटे बच्चे आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप को जो है वो इन सब की जो है वो ज़रूरतों से और नशे को उसने बारह साल रखा हुआ है तो वो नशे की लत में जो है वो पड़ चुके। तो साहबजादी को सुखा दे, साहबजादी को सुखा से एक और घर में राशन लेके आए हैं, जो राशन पहुँचाने का घर घर राशन पहुँचाने का जो अजम लेके हम लोग निकले थे। अब शाम हो चुकी है और अंधेरा आप लोगों को नजर आ रहा है जब अंधेरा हो चुका है, तो हम इस घर में आए हैं राशन लेके। गाँव में हमने ग्रोसरी दी है इनको ताकि ये जो है अपनी सहरी और अफसारी को यकीनी बना सके। आप लोगों को पता है कि ये महंगाई का दौर है, गरीब लोग हैं, ये लोग जो हैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड नहीं है, आटा घी हर चीज़ आसमानों को छू रही है। तो ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है, ये लोग अपनी खाने पीने की चीज़ें जो है इनको फ्राम करने में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। साहबजादी दसर खान ने रमजान मुबारक की जो है आमद आमद है, तो इस बाबरकत महीने में साहबजादी दसर खान ने इंतजाम किए हैं अपने मजदूर भाइयों के लिए ताकि ये लोग रोजी रख सकें और अपने लोगों को यकीनी बनाए और अपनी ईद की खुशियों को दोबारा कर सकें। बहुत शुक्रिया साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको बच्चों से दे, बहुत रिज़्क दे, बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अल्लाह पाकिस्तान। साहबजादी फाउंडेशन से हाजिर खिदमत है और साहबजादी दसर खान की तरफ से यहाँ घर घर राशन पहुँचाने का अजम ले के निकले हैं, तो साहबजादी की टीम जो है इस घर में मौजूद है। ये बच्ची है हमारे पास, इसकी वालदा नहीं है, वालिद इसके जो हैं वो मजदूरी करते हैं तो कभी उनकी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। तो ये 5 बहन भाई हैं जिनके लिए यहाँ पर राशन का अरेंज किया साहबजादी दसर खान ने ताकि ये अपने सहरी और अफतारी में जो है अपने रोज़ों को यकीनी बना सकें। ये बच्चे बहुत मशहूर हैं साहबजादी दसर खान के कि जिन्होंने इस आड़े वक्त में आके तो इनके घर आके तो राशन पहुँचाया है, तो गुरबत का जो है इनका ये आलम है कि कभी इनकी दिहाड़ी लगती है तो इनका पेट भरता है, नहीं लगती तो बच्चे जो हैं भूखे सो जाते हैं। तो साहबजादी दसर खान ने इनके लिए जहाँ पर राशन मुहैया किया है तो ये लोग बहुत मशहूर हैं। कैसे बेटा आप? मैं ठीक हूँ। आपको राशन की ज़रूरत थी जी? पापा का काम ठीक नहीं होता?
तो ये बच्ची बता रही है कि उनके वाले साहब जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो जिस कदर महंगाई है, आटा इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा है, उसमें जो है गरीब बंदे के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो सब लोग जो हैं दुआगो हैं साहबजादी दसरुल खान के लिए, जिन्होंने लोगों के लिए जो है यहाँ पर राशन का इंतज़ाम किया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम साहबजादी दसरुल खान से हाजिर खिदमत हैं। यहाँ पे जो है साहबजादी दसरुल खान की तरफ से जो है घर घर राशन पहुँचाने का जो अजम है वो लेकर निकली है साहबजादी दसरुल खान की टीम। तो आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पे जो है ये मजदूर तबका है जिनकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, दिहाड़ी लगती है तो ये लोग खाना बना लेते हैं, नहीं लगती तो ये लोग ऐसे सो जाते हैं। तो साहबजादी दसरुल खान को मालूम हुआ तो उन्होंने राशन का इंतजाम किया जो कि साहबजादी की टीम लेके आई है, तो हमने इनको राशन दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी साहबजादी दसरुल खान ने आपके लिए राशन का इंतजाम किया, आप कुछ कहना चाहेंगी? शुक्रिया, जो है ये शुक्रगुजार हैं इस इदारे की जिन्होंने इन्हें राशन मुहैया किया है। तो अब ये जो है अपनी सहरी और अफतारी को यहाँ पे यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया साहबजादी दसरुल खान। साहबजादी दसरुल खान से एक ऐसे घर में मौजूद हैं कि जैसा कि ये वाली बता रही हैं कि साहबजादी दसरुल खान ने बहुत सारे मौक़ों पर इनकी हेल्प की है। वो बता रही हैं कि ये जिस घर में रह रही हैं साहबजादी दसरुल खान ने ना सिर्फ उनको ये घर मुहैया किया है बल्कि इसके साथ साथ साहबजादी दसरुल खान ने इनको जो है यहाँ पे राशन का इंतजाम करके दिया है। इनके बच्चों के लिए हमारे पास ईद के गिफ्ट पैक मौजूद है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये साहबजादी दसरुल खान के बारे में क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी हैं आप? ठीक। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहेंगी कि अल्लाह ने उन्हें तरक्की दी, अल्लाह की तंदुरुस्ती दी, अल्लाह उन्हें ना दे दी मसाला पहले मकान मिल गया। मैं बेवा औरत हूँ, जितनी मैं बेवा औरत हूँ जितनी मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मेरे बच्चे ने बड़ी मैं पैसे करवाई है और मुझे गिरवी घर ले के दिया, महीने का राशन सब ने इसने ये चीज़ें जो ना उन लोगों ने दी। माशाल्लाह, अल्लाह इनको इतना दे। माशा, ये बहुत मशहूर है साहबजादी दसरुल खान की, ये कह रही हैं ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पे उनको रहने के लिए छत मुहैया की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने उनकी बच्ची को जो है उनकी तालीमी अखराजात जो है उठाए, उस बच्ची को जो है FSC करवाई और इनका जो है महाना ग्रोसरी का जो सारे अखराजात हैं वो साहबजादी दसरुल खान ने दिए। तो ये बहुत ज़्यादा दुआगो हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं साहबजादी दसरुल खान ने। इनका कोई कमाने वाला नहीं था, ये बेवा औरत थी और इनके बच्चे छोटे थे, साहबजादी दसरुल खान ने इनके सर पर हाथ रखा और ये बहुत मशहूर हैं। तो अल्लाह पाक जो है साहबजादी दसरुल खान को मजीद जो है तरक्कियाँ दे और बानी दसरुल खान की जो तौफीकात हैं उनमें इजाफा करे। तो आप जो हैं आपके लिए साहबजादी दसरुल खान की तरफ से हम राशन बैग्स लाए हैं ताकि आप अपने रोज़े जो हैं उनको यकीनी बना सकें। ये भी रोज़े रखते हैं, अल्लाह इन्होंने ना दे दी मसाला कमाई से बरकत पाए, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, तंदुरुस्ती से लाइया। बहुत शुक्रिया साहबजादी।